एवरीवन, मेरा नाम तनुजा है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 चंडीगढ़ की स्टूडेंट हूँ। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप करवाई जा रही है। हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से योग गुरु राजेंद्र येंकन मुले यहाँ पर प्रेजेंट हैं और यहाँ पर वन डे इंटरनेशनल वर्कशॉप करवाई जा रही है जिसका थीम है आर्ट ऑफ मैन मेकिंग थ्रू वासुदेव क्रिया योगा। सर, हमें भगवत गीता पे आधारित बहुत सारे जो श्लोक हैं और जो मंत्र हैं उनको कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और कैसे उनके थ्रू योग को प्रैक्टिस करें वो सिखा रहे हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री नितिन कुमार यादव सर, होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए आपको कार्यक्रम में लेके चलते हैं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आज ये जो हम चंडीगढ़ प्रशासन के सौजन्य से आयोजित कर रहे हैं कार्यक्रम, ये वासुदेव क्रिया योग पे है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से श्री राजेंद्र येंकन मुले, ये वासुदेव क्रिया योग फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तो ये आए हैं ऑस्ट्रेलिया से और हमारे साथ हमें कनेक्ट कराने वाली जो हैं वो एचटी की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मैडम योजना यादव हैं। उन्होंने प्रपोज़ किया हमें कि ऐसा एक कार्यक्रम किया जाना चाहिए चंडीगढ़ में स्पेशली, बिकॉज़ ये मूल निवासी हैं कर्नाटका के राजेंद्रा जी, और जब भी आते हैं तो वहाँ पे कुछ कार्यक्रम करते होंगे। तो इस बार ये इनके मन में विचार आया कि नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी खास तौर पर चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में विशेष रूप से हमारा कॉलेज चुना गया, तो उनकी तरफ से प्रपोजल आया कि कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए योग से संबंधित, जो कि खास तौर पर प्यूपिल टीचर्स, जो आज के प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, यहाँ हमारे कॉलेज में प्रोस्पेक्टिव टीचर्स तैयार किए जाते हैं, उनको योग कई के बारे में जानकारी दी जाए, उसका प्रशिक्षण दिया जाए, कैसे योग के माध्यम से वो स्कूल के बच्चों के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को, उनकी एक्सीलेंस को, उनके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एक्सीलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं वासुदेव क्रिया योग के माध्यम से जिससे कि बच्चों के सक्सेस में बढ़ोतरी की जा सकती है, तो इसको लेते हुए ये विचार मन में आया और यहाँ के प्यूपल टीचर्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिर हमने सोचा कि अगर हम कर ही रहे हैं तो चंडीगढ़ के दूसरे कॉलेजेस से भी, जहाँ पे डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, कॉमर्स कॉलेज के बच्चे हैं और योग कॉलेज के बच्चे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इस विचारधारा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत सारे कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बच्चे आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स 42 से, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन सेक्टर 11 से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर 23 से, ब्रह्मऋषि कॉलेज ऑफ योग एजुकेशन सेक्टर 19 से, और इस कॉलेज के बच्चे तो हैं ही हैं, प्यूपिल टीचर्स हैं ही हैं जो इस कार्यक्रम में बड़ा उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स भी आए हैं और बड़े जोश से अभी इस समय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और श्री नितिन यादव जी आईएएस, होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सो इसको NEP का जो उद्देश्य है कि हम स्कूल के पाठ्यक्रम में जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जिसमें हमारी इंडियन विजडम है, योग है, आयुर्वेद है, भगवद गीता की टीचिंग्स हैं, सो इसको जो है स्कूल के कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे भी हमारे जो हैं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से जागरूक हो सकें, उन वो इसका फ़ायदा उठा सकें और उसको अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, जीवन जीने की क्रिया कला सीख सकें। सो इसको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत जो है G20 मीट जो होने जा रही है उसका नेतृत्व कर रहा है, और 19 कंट्रीज़ के जो अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हिंदुस्तान में आके करने जा रहे हैं, और ये मीट जो है चंडीगढ़ में होने जा रही है, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया है। और हमारी ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, चंडीगढ़ के लगभग सभी कॉलेजेस के बच्चों ने इसमें भाग लिया है और सभी इसका थोड़ा सा सैंपल अगर हम रेंडमली हमने पिक किया है, क्योंकि बहुत पॉसिबल नहीं था इतने लार्ज स्केल पर करना, तो रेंडमली सैंपल लेके हमने सभी कॉलेजेस को कवर करने की कोशिश की है।
आज का जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है एजुकेशन का, इसके ऊपर जैसे आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जो यहाँ पे टीचर्स ट्रेन हो रहे हैं उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, और इसी क्रिया में ये एक वासुदेव क्रिया और योग क्रिया के बारे में यहाँ वर्कशॉप कंडक्ट करी जा रही है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र जी जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं वो इसके बारे में प्रोग्राम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी बच्चे इसको अटेंड करेंगे, जो टीचर्स अटेंड करेंगे, उसका इसका बड़ा लाभ मिलेगा।